जानकारी के अनुसार खनिया थाना कस्बे के वार्ड क्रमांक 1 का रहने वाला 13 साल का आदित्य जोशी पुत्र अजय जोशी आज अपने कुछ साथियों के साथ खनिया थाना तहसील के पीछे बने एक तालाब में नहाने गया हुआ था। इस दौरान वह उस तालाब में डूब गया। आदित्य के साथ नहा रहे अन्य बच्चों ने इसकी सूचना परिवार को दी। आदित्य जोशी के ताऊ राजकुमार जोशी ने बताया कि सूचना के बाद हम सभी तहसील के पीछे बने तालाब पर पहुंचे थे, जहां हमें आदित्य जोशी के कपड़े मिले थे, लेकिन आदित्य का कोई सुराग नहीं लग पाया था। मौके पर मौजूद लोगों को तालाब में उतारकर आदित्य की तलाश करवाई गई थी। इसी दौरान आदित्य का शव तालाब से बरामद हो गया था। सूचना के बाद मौके पर पहुंची खनिया थाना पुलिस ने 13 साल के आदित्य की शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है? मेरा राजकुमार जोशी। ये जो घटना हो गई, ये घटना कैसे हो गई? ये घटना मेरे छोटे भाई अजय का लड़का था बड़ा, और वो तालाब पर नहाने के लिए गया होगा, और वहाँ जाने के बाद फिर मेरे पास फोन आया कि वो भैया मिल नहीं रहा, कपड़े मिल गए उसके और चप्पल रखी मिल रही है तालाब पे। इसके बाद मैं देखने गया तो फिर मैंने आदमी जोड़ने के बाद फिर मैंने तालाब में उतराया। उतारने के बाद फिर वो ढूंढा तो वो तालाब में दबा हुआ मिला। ये तालाब कहाँ पर है? ये तालाब तहसील के पीछे पड़ता है। तहसील के पीछे? हाँ, छोटा सा तालाब है, गहरा बहुत है। लेकिन किसी का पर्सनल तालाब है? ये तो झोकन केवट का बताते हैं, झोकन केवट का है। तो वो मछली पालन वाला। वहाँ पे कोई रहता नहीं है मछली? अभी तो नहीं था वहाँ कोई। मृतक का क्या नाम है? आदित्य जोशी। खनिया थाना वार्ड नंबर 1